जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्टार भजन कीर्तन के माध्यम से मैं पंडित प्रमोद शुक्ला आज आपको अच्छी सी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जिन लोगों का हाथ इस प्रकार का होता है, यानी कि हाथ में वाई का चिन्ह बन रहा होता है, वो लोग कैसे होते हैं और उन लोगों के भाग्य में क्या होने वाला है, वाई का निशान आखिर क्या दर्शाता है, इसके बारे की जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ तो आप तक पहुँचें। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य पर्वत पर वाई के निशान के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। कई ज्योतिषचार्यों ने भी वाई के निशान के बारे में बताया। हाथ में शुभ और अशुभ स्थिति में होने पर वाई का यह निशान परिणाम को भी प्रभावित करता है। और यहीं पर देखा जाए तो सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर वाई का निशान अगर बनाती है और यह शनि पर्वत की ओर चली जाती है या जाती हुई दिखाई पड़ रही है, हल्का सा भी बन रही है, तो आप ये समझ जाइए कि वो जातक विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है। वो कुछ ना कुछ करने वाला है, वो बहुत कुछ कर सकता है या करने वाला है। ये लोग कार्य करने में बहुत ही माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। ये लोग जिस कार्य में भी लगते हैं, उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। और यदि सूर्य पर्वत से कोई शाखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही है और वहाँ पर वाई का निशान बन रहा है, तो समझ लीजिए कि यह एक सफल व्यापार को दर्शाता है, सफल व्यापारी बनाता है। ऐसे व्यापारियों को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए, तो ऐसे लोगों को धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होती है। और यदि सूर्य रेखा आखिर भाग में जा करके दो भागों में विभाजित हो और वाई का निशान बनाए, तो ये शुभ निशान तो है, लेकिन यह पूर्ण सफलता नहीं दिलाता। यहीं पर अगर देखा जाए तो वही वाई के निशान के बगल में यदि एक और रेखा निकल जाए, यानी कि त्रिशूल बन रहा हो, तो ये शुभ संकेत है। अगर वहाँ पर त्रिशूल बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यदि सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक पहुँचे और इसकी एक शाखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने विवेक के दम पर, अपने मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। इसी तरह यदि सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा निकलती है और वो हृदय रेखा से मिल जाती है, तो ऐसे लोग स्वयं प्रयास करते हैं और अपने बलबूते पर ऊंचाइयों को छूते हैं, अपना नाम करते हैं, व्यापार में नाम करते हैं। और यदि ये कहीं पर नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अच्छे पद पर होते हैं, अच्छी सैलरी वाले होते हैं, उनको वहाँ पर मान सम्मान प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी, सूर्य पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा यदि वाई का निशान बनाती है, तो इससे क्या शुभ फल प्राप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।